अस्सलाम वालेकुम, मैं खान, आप देख रहे हैं खान इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक ठाक ही होंगे। दोस्तों, आज वीडियो बनाई है हम लैपटॉप की बैटरी पे। पहले भी मैं दो तीन वीडियो लैपटॉप की बैटरी पे बना चुका हूँ। दोस्तों, इसकी जो हमारे पास एक बैटरी है, जिस दोनों एक मॉडल की हैं, लेकिन इसकी जो चिप है, इन सेलों की चिप बिल्कुल ख़राब है, लेकिन वो काम नहीं कर रही। दोस्तों, दूसरी जो हमारे पास बैटरी है, इसमें भी आपको मैं सेलों के वोल्ट भी दिखाऊंगा। बिल्कुल सेल इसके डिस्चार्ज हो चुके हैं और इसकी चिप जो है वो ठीक ही है, और दूसरे जो हमारे पास सेल है उन पे हम लगा के आपको दिखाएंगे। दोस्तों, कोशिश करना कि आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। जिस वाले सेलों की चिप बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और इनके जो कनेक्शन है वो भी हम सब कुछ इसी वीडियो में मैं दिखाऊँगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखा करें। अगर चैनल पे पहली बार न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। नई वीडियो आएगी तो आपको जल्द से जल्द मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं जो पहले मैं बना चुका हूँ लैपटॉप की बैटरी पर, ये जो सेल हैं ये सिंगल सिंगल हैं, चार सेल ही हैं इसके। दोस्तों, पहले कनेक्शन देखते हैं, आगे बात करते हैं। दोस्तों, इसकी पहले जो नेगेटिव, इसका ये प्लस है, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, इस तरह सेलों के कनेक्शन लगे होते हैं जी। मतलब इसके अगले आगे सेल दूसरे का है और इसका ये तीसरे का है, और आके दिखाएंगे तो वो चौथे का है। दोस्तों, एक सेल 3/7 वोल्ट का होता है और इसमें कोई इतना काम, मुश्किल काम नहीं होता, बस यही टांके आराम से लगाने। असल मसला क्या होता है कि हम टांके कहाँ से शुरू करें, हमें यही पे पता नहीं होता। इसी वजह से हमारे पास सेल भी होते हैं, हर चीज़ होती है, बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, बाद में मसला बन जाता है, समझ नहीं आती कि अब क्या करें। दोस्तों, पहले इनके वोल्ट हम चेक कर लेते हैं मीटर से। दोस्तों, इस पहले हम इसके चेक करेंगे, क्योंकि इसकी बैटरी की चिप तो लगी है लेकिन लैपटॉप में चार्ज नहीं हो रही है और ना काम कर रही है। दोस्तों, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सेलों को देखें, जो ये चार सेल ही हैं, सिंगल सिंगल हैं। जो दूसरी मैंने दो वीडियो बनाई हैं लैपटॉप के मतलब बैटरी के, वो दोस्तों डेल की बैटरी है 60 वाट, लेकिन उसमें दो दो सेल लगे हुए हैं, डबल डबल लगे हुए हैं, तीन तीन सेल हैं, उसमें 6 सेल हैं, इसमें 4 हैं, लेकिन ये सिंगल है। इस बैटरी की टाइमिंग थोड़ी कम होगी, लेकिन ये मतलब कि जैसे भी कंपनी बनाती है अपने लैपटॉप के मुताबिक ही बनाती है। दोस्तों, ये देखें कि इसके जो सेलों में कुछ भी करंट नहीं है, इस बात से पता चल रहा है कि इसके सेल जो हैं जो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। दोस्तों, हम इसके सेल तो चेक कर लिए हैं और दूसरे के सेल चेक करते हैं, आपके सामने समझ आपको आ जाएगी। दोस्तों, ये देखें कि इसके वोल्ट चेक करें, 3.61 वोल्ट बन रहे हैं, मतलब कि हमारा सेल जो है वो ठीक है। तीन वोल्ट से ज़्यादा होने चाहिए, 3.1 इसके भी बैट हैं, और दोनों को मिला के चेक करेंगे 7.5 वोल्ट बन रहे हैं। दोस्तों, ये देखें कि इसकी भी 3.66 ही है और इसकी भी 3.66 ही हैं, और इनको सबको इकट्ठा चेक करेंगे तो 14 वोल्ट कैट बन रहे हैं। दोस्तों, मतलब कि हमारी जो बैटरी है बिल्कुल ठीक ही है। अगर आपके पास मीटर ना हो तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं, तार लगा के भी, या किसी और कोई लाइट वगैरह पे भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जल्दी जल्दी हम इस चिप को यहाँ से फारग करते हैं। इसके लिए आपको 60 या 80 वाट का काविया होना आपके पास ज़रूरी है। दोस्तों, हम फिर भी कह रहा हूँ कि वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको तब समझ आएगी, नहीं तो आपको कनेक्शन, कोई बंदे हैं जो प्लस से शुरू करते हैं, प्लस से कनेक्शन इसको शुरू बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसको नेगेटिव से शुरू कराना है। पहला जो कनेक्शन है सेल का, वो नेगेटिव ही लगाना है, प्लस से दोस्तों नहीं लगाना, नहीं तो फिर आपकी बैटरी काम नहीं करेगी। क्योंकि दोस्तों, ये एक छोटा सा इसके सेंसर लगा होता है, जिसकी मदद से जहाँ से मतलब सेल की हीट मिलती है, तो ये मतलब कि बैटरी को ट्रिप करवा देता है। इसको आराम से भी उतार लिया है हमने। दोस्तों, ये तो निकल आया है, और इसकी चिप भी आप सामने देख सकते हैं जहाँ से निकल आई, और कि इसकी थोड़ी थोड़ी मतलब कि फोल्डिंग वायर लगी हुई है, जहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, इसके सुराख खुल जाएँ। आगे दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी जो भी काम कर रहा हूँ जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कि आपकी वीडियो लंबी ना हो जाए, फिर आप बोर हो जाते हैं, जो छोड़ के भाग जाते हैं। दोस्तों, देखेंगे इसके सुराख बिल्कुल खुल चुके हैं, हमने इसको सुराख खोल लिए हैं काविया की मदद से, और इसके आगे ये कनेक्शन भी देख सकते, ये मनफी है, इसकी अगली प्लस है, पहले सेल की जो प्लस लगाएंगे, आगे जो दूसरे सेल की प्लस जहाँ पे लगाएंगे, और उसके बाद जो आगे सेल है उसकी जहाँ पे लगाएंगे, उसकी इस तरह चलते जाना है, प्लस लगाते जाना है, मनफी से मतलब नेगेटिव से लगाना है। यहाँ पे दोस्तों देखें, इसके तार लगी हुई, उसकी मतलब पतरी लगी हुई थी, लेकिन मैं यहाँ पर इसको मतलब कि पहले नेगेटिव लगा देता हूँ, नेगेटिव लगा के आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों देखेंगे, ये इसकी नेगेटिव
लग चुकी है। आगे चलते हैं दोस्तों, इस पे थोड़ी सी टेप भी कर देते हैं कि कहीं इसकी शॉर्ट सर्किट चिप के साथ लगे तो हो ना सके, क्योंकि जो दूसरा भी काम करें तो कोई ना कोई रुकावट तो आती है कनेक्शन में, थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा, चल जाएगी। यहाँ से इसको भी थोड़ा सा टांका सोलन वायर लगा के कावी की मदद से ये भी लग चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आगे भी हमारे ये टांका भी लग चुका है, उसके बाद मतलब तीन टांके इस टाइम लग चुके हैं, नेगेटिव और दो प्लस लग चुके हैं। उसके आगे जो टांका है वो थोड़ा सा उसमें इशू है, लेकिन वो भी आपको मैं सामने करूँगा दोस्तों। इसको देखें और उसको देखें, उसकी जो टांके के कनेक्शन है वो थोड़े दूर हो चुके हैं, यहाँ से देखें और उसको देखें तो वो थोड़े दूर हो चुके हैं, यहाँ तक तो लग चुके हैं, लेकिन ये जो दो पॉइंट रह चुके हैं इनको लगाना है, और इसका जो और उसका कनेक्शन है थोड़ा दूर हो चुका है दोस्तों। देखें कि इसकी जो पत्री है जहाँ से हम इस पुराने सेल से काटेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और टर्मिनल वगैरह नहीं है कि यहाँ पे लगाएं, ये सेल तो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, यहाँ से काट के पत्री को वहाँ पर लगा देंगे दोस्तों। तार भी लगा सकते हैं अगर पतली ना हो तो, कोई मसला इशू नहीं है, तार मोटी होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखें हम पतली इसको पूरा कर देते हैं, यहाँ पे पूरा कनेक्शन हमारा लग चुका है, और वहाँ पे हम इसको टांका लगा देंगे, टांका लगा के आगे चलेंगे, और नीचे भी इसका जो कनेक्शन है उसको भी दोस्तों यहाँ पर टांका लगा देंगे दोस्तों। उस दूसरी जो मैं मतलब वीडियो बना चुका हूँ उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख सकते हैं दोनों वीडियो का, देख लेना। जहाँ पे टैप कर देंगे कि ये जो हमारी चिप है इसके साथ शॉर्ट सर्किट ना हो जाए दोस्तों, हर बात का ख्याल रखना पड़ता है, और जिसको जो सेंसर है इसको भी साथ चिपका देते हैं। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, टेपों के साथ काम चल सकता है, कोई मसला ऐसा नहीं है, और रह गई हमारी गर्म तार जिसको भी हमने लगा दी है दोस्तों। देखें कि हमारी बैटरी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है, अब इसके हम वोल्ट चेक करते हैं चिप पर क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा दोस्तों। शुरू करने से पहले आप पहले नेगेटिव लगाएँगे, इसी तरह प्लस लगाते जाएंगे। अब मैं नेगेटिव पे रखूंगा और देखेंगे आगे वोल्ट देखते जाएं, सब वोल्ट बन रहे हैं इस टाइम, और आगे देखते जाएं सब वोल्ट। दोस्तों हमारी वीडियो इस टाइम मुकम्मल हो चुकी है, और वोल्ट भी आपको मैं दिखा दिए, आगे चलते हैं इसको जल्दी जल्दी बंद करते हैं दोस्तों। देखें हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मिलेंगे अगली वीडियो में।